दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं खुशहाल डागर। तो भाई, आज आपके सामने खड़ी है होंडाई वेन्यू और होंडाई वेन्यू, दोनों मतलब ओल्ड जनरेशन है। जो फर्स्ट जनरेशन इसकी लॉन्च हुई थी वही है दोनों। ये SX है, ये SX ऑप्शनल है। दोनों गाड़ी डीजल है। इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है, इसमें 1.4 लीटर का आता है। क्योंकि भाई ये जब लॉन्च हुई थी, जब ही खरीदी गई थी, तो ये 2019 मॉडल है, ये 2022 मॉडल है। तो आज इन दोनों के बीच में कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे, फिर देखते हैं कौन सी में ज़्यादा फीचर मिलते हैं और क्या क्या फीचर डिफरेंस है। अगर कोई भाई कंफ्यूज है तो इन दोनों को मतलब SX और SX ऑप्शनल में तो बताते हैं। तो भाई पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पीछे से भाई डिफरेंस बताओ, आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो भाई एक वाइपर का डिफरेंस लग रहा है, और कुछ डिफरेंस है नहीं। पीछे से बिल्कुल सेम है दोनों गाड़ी। ऊपर शार्क फिन एंटीना, वो वॉशर और वाइपर इसमें मिलता है, डिफोगर दोनों में मिलते हैं, देख सकते हो आप। और भाई SX की वेजिंग इसमें भी मिलती है, SX की वेजिंग इसमें मिलती है। बस SX ऑप्शनल में मतलब ये जब पता चलता है कि भाई ये वाइपर दे रखा है, और तो कोई डिफरेंस बाहर से पता नहीं चलता। और एक मेजर डिफरेंस साइड से जो आप देख चुके होंगे, ये है भाई स्टील रिम्स, जो कि निकल नहीं सकते। मतलब यही पूरा वो है भाई, इनबिल्ट है ये। 16 इंच के टायर है, इसमें भी 16 इंच के टायर है। इसमें MRF के दे रखे हैं कंपनी ने, इसमें C8 के दे रखे हैं। तो अलॉय व्हील में ये डिफरेंस हो गया। साइड से और बात करते हैं भाई, क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं इसमें। इसमें बॉडी पेंट मिलता है, ORVM पे इंडिकेटर मिल जाते हैं, सेम हेयर देख सकते हो भाई। और तो भाई साइड से कोई नहीं है फर्क, बस मैंने इसमें वो लगवा रखे है भाई रेन वाइजर, इसमें रेन वाइजर नहीं है। अब चलते भाई एक चीज और, इसमें कीलेस एंट्री के लिए बटन में दे रखा है, उसमें नहीं है भाई, क्योंकि वो चाबी से स्टार्ट होती है, तो अंदर से नहीं जब बताएंगे। बात करते हैं फ्रंट की, तो भाई फ्रंट से भी कोई मेजर डिफरेंस है नहीं। मेरे को तो कुछ डिफरेंस लग नहीं रहा, और आप कमेंट करके बताओ अगर आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है तो। तो भाई मेरे को तो कोई फर्क दिख नहीं रहा बिल्कुल, गाड़ी दोनों गाड़ी सेम है। बारिश आ रही है, मौसम बढ़िया हो रहा है भाई। तो अब चलते हैं सबसे पहले वेन्यू SX ऑप्शनल में। तो इसका इंटीरियर दिखाता हूँ और फिर उसका इंटीरियर दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा क्या फ़र्क है क्या नहीं। तो भाई डोर से स्टार्ट करते हैं। डोर तो बिल्कुल भाई सेम मिलेगा आपको, पावर विंडो, ORVM फोल्ड एंड फोल्ड के लिए बटन। अब दिखाता हूँ सबसे पहले भाई आपको मेन जो चीज़ है वो भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि उसमें थोड़ा वैसा मिलेगा, उसमें भी चल के दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो लाइटिंग होती है उसको डिम और इंक्रीज करने के लिए है। ये हेडलाइट लेवलर है, ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, जो कि उसमें नहीं मिलेगा। ऑटो लाइट मिलती है इसमें विद फोग लैंप, इंडिकेटर वगैरह। रियर वाइपर के लिए यहाँ से कंट्रोल होता है, और ये स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो भाई, इसमें ब्लू लिंक रोड साइड असिस्टेंस SOS का बटन मिल जाता है। ऊपर ये लाइट मिल जाती है, सेम उसी में ही मिलेगी। यहाँ पे टिकट होल्डर विदाउट लाइट मिरर, सनरूफ, और भाई ऐसे कुछ इसमें ये हैंडल मिलते हैं। तो अब बात करते ग्लव बॉक्स की, तो सेम है भाई। अंदर से इंटीरियर वगैरह मैं आपको दिखा दूंगा उसमें चल के। तो इसमें ऑल ब्लैक इंटीरियर है, उसमें चल के देखते हैं भाई उसमें कुछ डिफरेंस लगा तो बता दूंगा। और क्रूज कंट्रोल, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल के बटन, और ये भाई मीडिया और अपने वॉल्यूम के और वॉइस कमांड वगैरह सब चीज़ यहीं से ऑपरेट हो जाती है। और एक चीज़ मेन डिफरेंस जो मेरे को लगा, वायरलेस चार्जर, ये भाई एक और इसमें स्पीड का चार्जर दे रखा है। 6 गियर मिलते हैं, ऐसी कुछ इसकी की मिलती है, जो कि भाई अपनी स्मार्ट की लॉक अनलॉक बूट अनलॉक करने के लिए, और ये होल्ड के लिए, मतलब जैसे बीप करने लगेगी गाड़ी उसके लिए। यहाँ पे एयर प्यूरीफायर मिल जाता है भाई, जो कि उसमें नहीं मिलेगा। ये ऐसा कुछ आर्मरेस्ट मिलता है, ये आगे पीछे भी होता है भाई, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है। और तो भाई, और बात करते स्टीरियो की, तो स्टीरियो और दिखा देता हूँ। तो भाई ऐसा कुछ स्टीरियो मिलता है, ब्लू लिंक की बैजिंग यहाँ पे आ जाती है। और ये हुंडई, ये ब्लू लिंक के नेटवर्क के वो आ जाते हैं भाई, नेटवर्क की जैसे गाड़ी में इनबिल्ट ECM है, तो उसके लिए वो आ रखे हैं नेटवर्क, देख सकते हो आप यहाँ पे। और यहाँ पे भाई नेविगेशन, मैप, नेविगेशन सेटअप, मतलब ये ब्लूटूथ, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, इसमें वायर्ड है, वायरलेस नहीं है। ये DRVM के लिए है, जैसे पीछे का चलती गाड़ी में भी हम कैमरा देख सकते हैं। ये मीडिया हो गया, ये रेडियो हो गया, ये सेम है भाई बिल्कुल। और तो अब चलते हैं उस गाड़ी में और दिखाता हूँ आपको कैसा क्या चेंज है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है भाई, एक बार पीछे से और दिखा देता हूँ, पीछे पता चल जाए कुछ डिफरेंस है या नहीं है। तो भाई पीछे की सीट, और हाँ मेजर डिफरेंस एक ये था भाई, इसमें मिलते हैं 6 एयरबैग, 2 पिलर पे भी है और सीट में भी है भाई, देख सकते हो आप। ये बैजिंग दे रखी है, उसमें भाई आपके अप्रोक्स
दो ही है मेरे हिसाब से, तो इसमें 6 एयरबैग लेते हैं, तो ये भी इसका जो सेफ्टी है वो थोड़ा बेहतरीन हो जाती है। अब चलते भाई इसमें देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो भाई डोर तो वही सेम है, हालांकि इसमें एयरबैग नहीं मिलते, फिर भी भाई ने सीट कवर नहीं लगवा रखे हैं। अब चलते भाई गाड़ी के अंदर। तो भाई देखो सबसे जो मेजर डिफरेंस है वो है भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। हालांकि इसमें भी जैसे बूट ओपन है तो इसकी बूट का वो आ रहा है भाई, मतलब हर चीज़ दिखाता है जो उसमें दिखाता है, पर ये थोड़ा अजीब लगता है भाई। मतलब जो मतलब स्पोर्टीनेस ही तो खैर इसी में आती है, पर कंपेयर जैसे सबकी अपनी अपनी चॉइस हो जाती है, तो भाई मेरे को वो ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि इसमें ना थोड़ी ये वाली जो MID स्क्रीन है ये इसकी थोड़ी ओड प्लेसमेंट है। अगर ये बीच में होती और ये मतलब थोड़ा बड़ा होता तो थोड़ा अच्छा लग सकता था। और तो भाई सेम है बिल्कुल ये, मतलब इसके स्टीरियो के कंट्रोल है, इसमें भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल नहीं दे रखे, बस सिर्फ क्रूज कंट्रोल के बटन है, और साइड में ना ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन और ना फिर भाई इसकी लाइट को डिम और एडजस्ट करने का, और ये हेडलाइट लेवलर। और भाई इसका मेन जो डिफरेंस मेरे को लगा, पुश बटन स्टार्ट भी नहीं है, नॉर्मल की मिलती है, दिखा देता हूँ आपको एक बार इसकी की, तो ये फ्लिप की मिलती है। और जब उस टाइम भाई मैंने वो ख़रीदी थी तो 12.5 लाख की थी, और ये 11 लाख कुछ की थी, मतलब 1.25 लाख का डिफरेंस है, जिसमें भाई आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन 6 एयरबैग वगैरह मिल जाते हैं, इसमें 2 एयरबैग मिलते हैं, सीट वगैरह में है नहीं। अब चलते भाई इस पे, जो आपका स्टीरियो है इसमें तो भाई नॉर्मल है, इसमें मैप नेविगेशन का कोई बटन नहीं है, सिर्फ ये इनबिल्ट स्टीरियो नहीं है, पीछे SD कार्ड का वो तो दे रखा है, पर इसमें मतलब खुलता नहीं है भाई ये। और जो ब्लू लिंक वगैरह इसमें नहीं मिलते, तो यहाँ पे इसमें बटन वगैरह कुछ नहीं मिलता। बात करते ये सब कुछ सेम है, वायरलेस चार्जर नहीं मिलता, इसमें एक USB बीच में, इसमें वो दे दिया वो 12 वोल्ट का सॉकेट, वरना उसमें भाई साइड में दे रखा है, उसमें वायरलेस चार्जर उन्होंने इनबिल्ट कंपनी ने दे रखा है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है सेम, एयर प्यूरीफायर नहीं मिलता, ये इसका भाई स्लाइडिंग भी नहीं है, ये एक जगह ही रहता है, और आर्म रेस्ट वगैरह और तो सब चीज़ सेम है भाई बिल्कुल, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं लगा, बस मेजर जो डिफरेंसेस थे वो मैंने बता दिए आपको। अब चलते हैं भाई पीछे इसकी सीट पे, तो पीछे और दिखा देता हूँ कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो भाई ने बूट ओपन कर रखी है, तो देख सकते हो भाई बूट वगैरह बिल्कुल सेम है, इसमें बस थोड़ा सा इसने जो बेस ट्यूब है इसने थोड़ा कवर कर रखा है, वरना कोई सेम है बिल्कुल, पार्सल ट्रे वगैरह हर चीज़ दोनों में मिलती है, पीछे मतलब रिक्वेस्ट सेंसर होता है जो बूट का, वो सब में सेम है भाई बिल्कुल। तो पीछे तो भाई बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं लगा मेरे को, AC वेंट वगैरह नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है, वही सेम है बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है। एक ही पॉकेट मिलती है रियर, उसमें पीछे थोड़ा लेदरेट सीट का यूज़ किया गया है, इसमें पूरी फैब्रिक है बस, और तो भाई मेजर कोई डिफरेंस नहीं है। पीछे भी लैंप दे रखा है, आगे भी दो ही वही सेम है बिल्कुल। तो भाई ऐसी कुछ इसकी कंपैरिजन वीडियो थी, कमेंट करके बताओ अगर आपको अच्छी लगी हो तो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।